हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मटका दम बिरयानी रेसिपी। ये शाही बिरयानी है, तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए एक बोल लिया है मैंने, और यहाँ पर ये 600 से 700 ग्राम चिकन है, अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने, और अब इसे ऐड कर लेंगे। और अब डालेंगे फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 4 टेबल स्पून है, तो आप फ्रेश ही यूज़ कीजिएगा सारे इंग्रेडिएंट, अच्छा फ्लेवर आएगा। और टमाटो, ये 2 बड़े साइज़ के टमाटो हैं, इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर पेस्ट है, अपने हिसाब से आपको जितना तीखा पसंद है उतना यूज़ कीजिए आप। इसे भी ऐड कर लेंगे। 200 ग्राम दही और 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, ये भी ऐड कर लेंगे। और कुछ मसाले ऐड करेंगे हम। अब ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा और 8 से 10 काली मिर्च और 2 इलायची मैंने ली है। ऊपर से आप थोड़ा सा इसे खोल लीजिए, उसके बाद ऐड कीजिए। 2 लौंग डालेंगे और 2 छोटे छोटे जावित्री के टुकड़े, और ये ड्राई रोज पेटल्स है, इसे भी आप ज़रूर डालिएगा। ये शाही बिरयानी है तो इसमें ये पड़ता है। कोकोनट पाउडर डाला है मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून। सॉल्ट डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर यूज़ होगा घी। आप वैसे चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, बट ये शाही बिरयानी है तो इसमें घी आप ऐड करें तो अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 3 टेबल स्पून घी ऐड किया है मैंने, और ये फ्रेश मिंट लीव्स, इसे भी हम थोड़ा सा तोड़ कर इसे ऐड कर लेंगे। और ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 3/4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और रख दीजिए। इसे कम से कम आधे घंटे के लिए आप रखिए, और आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप इसे रात में करके भी रख सकते हैं। अब इस पर फॉइल लगा कर मैं अच्छे से कवर करके इसको फ्रीज में रख कर दूँगी आधे घंटे के लिए। सो इसे साइड कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर अपने राइस को सोक कर लूँगी। यहाँ पर मैं 3 कप चावल यूज़ कर रही हूँ, ये 6 से 7 लोगों के लिए इनफ है। तो बासमती राइस है ये, अच्छा वाला बिरयानी राइस, तो इसे हम अच्छे से वॉश करके सोक कर लेंगे। आप इसे आधे घंटे के लिए सोक कर सकते हैं, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अच्छा ही बनेगा उससे भी। तो इसे साइड कर लेंगे हम। और ये है क्ले पॉट, अब इसे हम गैस पे रख लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर मैं हाफ़ यूज़ करूँगी ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और हाफ घी। और अपने अनियन को हम पहले इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अनियन लिया है मैंने स्लाइस करके, ऐसे पतले पतले में, बिल्कुल थिन स्लाइस है, और इसे हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। गोल्डन ब्राउन हमें चाहिए ये, तो ये फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे हम। और काजू और बादाम, उसे भी हम हल्का सा फ्राई करके उसे भी निकाल लेंगे। बस 1 मिनट के लिए आप इसे ऐड कीजिए और निकाल लीजिए, साइड कर लेंगे। अब इसी ऑयल में हम लोग उस मैरिनेशन को, बिरयानी के चिकन को जो हमने मैरिनेट किया था, उसे कुक करेंगे। इसे अच्छे से आप चला लीजिए और इसे लो फ्लेम पर कुक होने दीजिए लिड लगाकर। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें डाला है ऑयल और 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 लौंग। और अब डालूँगी मैं पानी और अपने राइस को जो मैंने सोक किया था। और इसमें पानी आप डबल यूज़ कीजिए, जितना चावल है उससे 2-3 गुना ज़्यादा चावल, क्योंकि हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे बाद में। तो पानी ऐड कर लिया है मैंने। अब डालेंगे सॉल्ट, सॉल्ट यहाँ पर थोड़ा आप एक्स्ट्रा यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हम स्ट्रेन करेंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा स्टर करेंगे और लीड लगाकर इसे कुक होने देंगे। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं चावल हमारा कुक हो चुका है, 80% हमें इसे कुक करना है, तो ये परफेक्ट है। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी, ये परफेक्ट है, आप देख सकते हैं, स्ट्रेन कर लेंगे। और अब हम अपने चिकन को चेक कर लेते हैं, तो ये भी रेडी हो चुका है अच्छे से। अब हम लेयर बनाते हैं, तो पॉट को मैंने वॉश कर लिया था। अब पहले ऐड करेंगे राइस,
थोड़ा राइस आप ऐड कीजिए पहले, उसके बाद हम इस पे अपने थोड़े इंग्रेडिएंट को ऐड करेंगे। प्रॉपर अच्छे से इसकी आप लेयर बनाइएगा, अच्छे से हम पूरे साइड पे इसको कवर कर देंगे राइस को। देन अब इस पे हम ऐड करेंगे मसाला जो बिरयानी का हमने बनाया था। बहुत यमी बिरयानी है, आप ट्राई इसको ज़रूर कीजिएगा। जितनी इजी है उतनी ही यमी है। आप एक बार ट्राई करोगे ना तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में आके बोलोगे कि कैसा बना था। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने चिकन लगा लिया है, आप ड्राई रोस्ट बैटर ला लेंगे। हाँ ये शाही बिरयानी है तो इसमें ये सब चीज़ें थोड़ी जाती है। और ये फ्राई अनियन मैंने थोड़ा हाफ बचाया था जो, वो भी ऐड करेंगे हाफ। थोड़ा सा हम ऐड कर लेंगे। और ये काजू जो फ्राई किया था हमने, और डालेंगे बादाम, फ्रेश मिंट लीव्स, और फिर से हम राइस डालेंगे और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। इतनी बिरयानी 6 से 7 लोगों को काफ़ी अच्छे से हो जाती है। सो ये मैंने लेयर लगा दी है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी केसर वाला दूध, तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये शाही बिरयानी है तो ये सब इसमें जाता ही है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये ऐड कर लिया है मैंने। और मैं यहाँ पर फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें, ग्रीन वाला और ऑरेंज वाला। तो हल्का हल्का हर साइड पे थोड़ा थोड़ा मैंने इसे गिरा दिया है। और अब ऐड करेंगे केवड़ा वाटर। आप इसकी जगह चाहें तो रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी हमने डाल दिया है 6 से 7 ड्रॉप। और फिर से हम राइस की लेयर लगाएंगे, फिर हम मसाले को ऐड करेंगे। वही प्रोसेस रिपीट करेंगे हम फिर से। ये बहुत ही यम्मी बिरयानी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है, आप इसे अफ्तार के वक्त बना सकते हैं, ईद में बना सकते हैं आप इसे, या कोई भी फेस्टिवल ओकेजन पार्टी किसी भी चीज़ में। ये बहुत बेस्ट बिरयानी है और बहुत इजी है। अगर आप इसका मसाला एक दिन पहले प्रिपेयर करके रखें तो आपके लिए और इजी होगा ये काम। तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप। सो ये शाही दम बिरयानी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपके घर में किसी को बिरयानी बहुत पसंद है तो उस इंसान के लिए ज़रूर बनाइए, आपका जो भी काम है इजीली हो जाएगा। और अगर काम ना भी हो तो भी आपको बना देना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो इंसान बहुत खुश हो जाएगा आपसे, फिर आगे के लिए आपके लिए ईजी होगा। तो मैंने यहाँ पर लेयर लगा दी है और अब मैं राइस ऐड कर दूंगी। वापस से रिपीट करेंगे हम इस प्रोसेस को, मैंने 3 बार रिपीट किया है। और अब यहाँ लास्ट वाली लेयर बाकी है, बस इसे हम लगा देंगे ताकि ये रेडी होने के बाद खूबसूरत सा लुक आए जब हम इसे ओपन करें। सो वही मैं रिपीट कर रही हूँ। रोज़ पेटल आपको हर लेयर में डालनी है, और फ्राई अनियन और केसर वाला दूध, इससे बिल्कुल शाही वाला फ्लेवर आएगा। आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, मस्ट ट्राई रेसिपी है और इजी भी बहुत है। और रमज़ान शरीफ में तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सो ये हो चुका है, लास्ट लेयर है ये मेरी, सब मैं इस पर ऐड कर दूँगी आप जल्दी जल्दी। देन इसे हम कवर करेंगे। मैं इस बिरयानी को अक्सर कोई भी फेस्टिवल में प्रीफर करती हूँ, या फिर कोई गेस्ट होते हैं जिन्हें बिरयानी बहुत पसंद होता है तो उनके लिए ज़रूर ये बनता है मेरे घर में। सो अब मैं यहाँ पर लास्ट में हमें घी भी ऐड करना है। 2 टेबलस्पून के अराउंड मैंने घी यूज़ किया है, और यूज़ किया है केवड़ा वाटर। अब इसे हम कवर कर देंगे। और यहाँ पर मैंने आटा थोड़ा सा गूंद लिया था, तो ये लोई है। इस तरीके से हम इसे राउंड कर लेंगे थोड़ा सा, और ऐसे करके आप इसे थोड़ा सा कर लीजिए बड़ा। और अब हम स्टिक कर देंगे इस तरीके से, अच्छे से आप स्टिक कीजिएगा ताकि इसकी एयर बिल्कुल निकलने ना पाए जब हम इसे दम पे रखेंगे। सो ऐसे आप स्टिक करते जाइए पूरे साइड्स पर। ये नॉर्मल आटा है, इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया मैंने, बस सिंपल प्लेन वाटर से इसे नीड किया था। और इसके बचने के बाद आप इसे डस्टबिन में ना डालें, आप इसे
कोई ऐसे जगह पे डाल दे जहाँ पर कोई परिंदे बर्ड्स वगैरह हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो खा ले इसे, तो वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। तो स्टिक कर लिया है मैंने अच्छे से, और मैं अब इसे दम पे रखूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। पहले आप तवे तवा रख दें गैस पर, उसके बाद इसे रखें इस पॉट को, और 20 से 25 मिनट के लिए दम कर लें। यहाँ पर ये दम हो चुका है, मैं इसे कट कर रही हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है हमारी बिरयानी। 20 से 25 मिनट में ये दम हुआ है, और जब मैंने इसे ओपन किया तो इसकी खुशबू मेरे पूरे घर में, इवन पूरे फ्लोर पे आ गई थी। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, और ज़्यादा बनाएं, क्योंकि हो सकता है आपके नेबर्स आपसे मांग लें ये बिरयानी। बनाइएगा ज़रूर, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। सो इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देख सकते हैं आप लेयर इसकी, माशाल्लाह बहुत यम्मी बिरयानी थी। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जिनको बिरयानी बहुत पसंद है उनके लिए ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नई रेसिपी या फिर एक ब्लॉग के साथ। तब तक मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।